और TCS का जो बायबैक है उसकी जो प्राइस है और अभी जो करंट प्राइस है उसके बीच में अंतर काफी है। तो बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल ये भी होगा कि क्या यहाँ पे खरीद के बायबैक में दे दें, क्या उसका गणित आपने लगाया है कि वो फायदेमंद रहेगा निवेशकों के लिए या उसमें गणित ठीक नहीं बैठता उनके हक में? राजीव, मेरे साथ जो बीता है पहले मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लार्सन का बायबैक हुआ था कुछ 3 सप्ताह पहले, तो जिसे कहते हैं कि बनिया बुद्धि, अकलमंदी सब लगाकर मैंने लार्सन के शेयर खरीदे, और जो खरीदे थे उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने कुशन रखा है कि अगर शेयर का भाव बढ़ जाता है तो भी मैं रिटेल का जो कोटा होता है 2 लाख रुपए से कम की मेरी खरीद होगी उसके हिसाब से गणित किया था। भाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरी जो वैल्यू ऑफ परचेज थी वो 2 लाख को क्रॉस कर गई जिस दिन कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की थी। अब एंटाइटलमेंट आया 1 शेयर का, तो जो बायबैक का पर्पस था वो डिफीट हो गया। शेयर मैंने बाजार में बेच दिए, पैसे कमाए, मैं कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर रहा, पैसे कमाए। और जो बायबैक करके जो पैसे मिलते शायद उससे 15-20% कम मिले, लेकिन जो बायबैक का लुहावना ऑफर था वो चला गया। ये एग्जाम्पल दे मैं इसलिए दे रहा हूं कि मान लीजिए आज आप TCS का शेयर खरीदते हो, इसके रिकॉर्ड डेट आने में काफी समय है, इसको शेयर होल्डर की अप्रूवल अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में एक रिकॉर्ड डेट आएगा, उस रिकॉर्ड डेट को जो भाव मतलब उस रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जो होल्डिंग है उसके हिसाब से आपका कोटा बनेगा, लेकिन शेयर की ट्रेडिंग उसके बाद भी कंटिन्यू करती है। अगर अगर 50 रुपए 100 रुपए आपका भाव बढ़ जाता है, मान लीजिए 3500-3600 के हिसाब से आपने लिया और शेयर का भाव 3800 हो गया, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए, मैं मेरे खुद भुक्त भोगी होकर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। बेस्ट ऑफ कैलकुलेशन फेल हो सकता है। जी,